ग्वालियर में फिक्स डिपॉजिट के लिए सौतेले बेटे को चाय में जहर देकर हत्या करने वाली मां को कोर्ट ने आज जीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस कलयुगी मां को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मृतक बेटे की पहली मां की मौत सड़क हादसे में हुई थी। उसके बीमा क्लेम के 12 लाख रुपए की एफडी के लालच में सौतेली मां ने बेटे की जान ली थी। कोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीरता से सुना है और सजा सुनाई है। आपको बता दें कि जिस मां को कोर्ट ने बेटे की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, उसका सौतेले बेटे नितिन परिहार की उम्र घटना के समय सिर्फ 8 साल की थी। नितिन की सगी मां सीमा का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उसे मोटर क्लेम के जरिए 12 लाख रुपए की राशि कोर्ट से मंजूर हुई थी। पिता राजू परिहार ने अपने बेटे के नाम से इन रुपयों की एफडी कर दी थी, लेकिन नितिन की सौतेली मां आराधना इसी राशि को किसी तरह हड़पना चाहती थी। राजू परिहार ने 3 शादियां की थी। उसकी दूसरी पत्नी का नितिन एक ही लड़का था। दूसरी पत्नी सीमा की मौत के बाद आराधना उर्फ जूली से राजू ने तीसरी शादी कर ली थी। आराधना उर्फ जूली अपने सौतेले बेटे नितिन को काफी परेशान करती थी। वो उसे छोटी छोटी बातों पर मारती पीटती रहती थी। यह घटना 22 सितंबर 2021 को हुई थी। राजू परिहार अपनी बेटी को लेकर उसके ननिहाल छोड़ने गया था। इसी दौरान सौतेली मां आराधना ने नितिन को चाय पीने के लिए दी। इस मामले में अभियोजन के कुल 13 गवाह पेश किए गए थे। आखिरकार एडीजी कोर्ट ने सौतेले बेटे की हत्या करने के मामले में सौतेली मां आराधना उर्फ जूली को दोषी माना और उसे उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। घटना के बाद से ही आराधना जेल में है। ये घटना रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना है, जिसमें कि मां ने अपने सौतेले बेटे को जहर देकर मार दिया था, जिसका आवेदन उसके पिता राजू परिहार ने थाना मुरार में दिया था, जिस पर उसकी घटना अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसका लंबी गवाहों की फहरिस्त के बाद इसमें आज न्यायालय का फैसला आया है। जब उसकी सौतेली मां को इस बात का पता चला तो उसने नितिन को जहर देकर सुला दिया। जब पिताजी को लौट के आने के बाद घटना की खबर लगी तो उन्हें इसके खिलाफ अपराध दर्ज कराया। आज न्यायालय का फैसला आया, इसमें आराधना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।